मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएमवेली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड प्लस 2 शॉप्स रेडी होने पर है। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल है। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। कौसा नूरी गार्डन के टेरेस पर लगी आग स्थानीय लोगों ने बुझाई। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शुक्रवार 3 मार्च रात के समय में कौसा स्थित नूरी गार्डन के टेरेस में अचानक आग लग गई। आग लगने का निश्चित कारण पता नहीं चल पाया। टेरेस पर प्लास्टिक के पतरे का शेड लगा होने के कारण ये आग भयंकर दिखाई दे रही थी, मगर इसमें किसी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान या कोई हताहत नहीं हुआ है। इस घर के मालिक सलमान से हमारी बातचीत हुई। क्या सलमान ने जानकारी दी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले किस तरह से फायर ब्रिगेड यहां पहुंची, मगर फायर ब्रिगेड के पहुंचने के पहले स्थानीय लोगों ने इस आग को बुझा दिया। भाई क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान भाई, ये आपके घर में क्या हादसा हुआ है और कैसे हुआ है? क्या मालूम है, मैं तो बाहर था दुकान पे। हाँ। घर से फोन आया कि घर में अंगार लगी, तो मैं भाग के आया। जब मैं शाम में घर से निकल रहा था ना, जब भी मेरे को बास आ रही थी। हाँ। जब मैं वहां से बाथरूम से भाग के निकला, कितने बजे बास आ रही थी? 6 बजे शाम में। 6 बजे बात है, अंगार लगी है। कहाँ लगी है, कौन सी जगह? ये गैलरी है मेरे, वो डुप्लेक्स घर है मेरा। कहाँ पर? जगह का नाम क्या है? नूरी गार्डन बिल्डिंग है, 7 माले पे मेरा घर है, डुप्लेक्स घर है मेरा। हाँ। 7वां और 8वां मेरा घर है ये। अच्छा। तो ये टेरिस से वो बास आ रही थी शाम में 6 बजे। हाँ। तो जब मैं देखा तो मेरे नीचे तो कुछ भी नहीं था, तो इसके लिए मैं बेफिक्र होकर चले गया। मैं समझा ऊपर कुछ काम कर रहे रहेंगे लोग, ऐसा बिल्डिंग वाले बारबेक्यू सब करते रहते ना। हाँ, मतलब बिल्डिंग उसी, हाँ, इसी उसी इसी बात सारी रहेंगी। अच्छा। मैं चले गया शाम में। आप भी 1 घंटा पहले फोन आया कि घर में अंगार लगा। 9 बजे कॉल आया। हाँ, 9 बजे कॉल आया, तो मैं फिर भाग के आया। अच्छा। देखा तो ऊपर टेरिस से पूरा वो जो छपरा था ना मेरा। हाँ। वो छपरा जल के पूरा नीचे अंगार गिरी। तो ये जो छपरा था ये फाइबर वगैरह का था? हाँ, फाइबर का था भाई, फाइबर प्लास्टिक का जो रहता नहीं। आग कैसे लगी कुछ आपको पता है? कुछ अपडेट नहीं है सर, क्योंकि वो शाम में बात आ रही थी, इतना मैं पूरा चेक करके गया यहाँ पे। इधर पे तो कुछ वायरिंग नहीं है, इधर से मेरा एसी का पाइप है। हाँ। और एक उधर पे एक होल्डर है बस। अच्छा। यहाँ पे कुछ भी है और कुछ नहीं है, मतलब आग ऊपर से ही लगी। हाँ, ऊपर से आग लगी। अगर यहाँ कुछ शॉर्ट सर्किट होता तो ये शॉर्ट सर्किट पूरे घर में होता था ना। अच्छा। सिर्फ एक जगह तो होता नहीं था। तो ऊपर सोफा वोफा भी जला है? हाँ, ऊपर सोफा रखा हुआ था एक, तो वो सोफा भी जला है। अच्छा। ऊपर अंगार कैसे लगी वो हमको नहीं मालूम। वो नहीं मालूम आपके घर में तक आग पकड़ ली? हाँ, मेरे गैलरी तक पकड़ी, मेरे घर के अंदर नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बिल्डिंग के कोई बच्चे ऊपर जाके सिगरेट वगैरह पीते, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं सर, कुछ भी नहीं, वैसा कुछ नहीं। टेरिस हमेशा बंद ही रहती है, टेरिस खुली नहीं रहती है। अच्छा। वॉचमैन से सिक्योरिटी से चाबी लेना पड़ता है। आग कैसे लगी अभी तक कुछ पता नहीं आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं मालूम सर। अभी फायर ब्रिगेड वाले भी आए तो उन लोग भी चेक करके गए, तो उन लोग ने भी ये बोले कि ऊपर से ही कुछ मसला था। लगभग नुकसान कितना हुआ होगा आपको कुछ अंदाजा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं है। वो जब जो हमारे घर का सामान था थोड़ा, यहाँ बाजू गैलरी में रखे थे हम लोग, गैलरी में जो सामान था वो एक डिनर सेट था, और मेरा सिस्टम का ऑफर ऊपर रखा है, और बैग के अंदर थोड़े कपड़े थे, बस वही जले अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, कुछ भी नहीं।